नमस्कार साथियों, मैं बजरंग कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट के अंदर। हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में पढ़ा कि परमाणु क्या होता है, परमाणु किन किन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे.जे. थॉमसन ने की सन 1897 में की। उसके बाद में प्रोटॉन की खोज 1919 में रदरफोर्ड ने की। प्रोटॉन के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमने अपने को 1886 के अंदर गोल्डस्टीन ने बताई। उसके बाद में 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। और साथ में हम बात कर रहे थे परमाणु संरचना की। जब हम बात करें परमाणु संरचना, तो परमाणु संरचना किसके समान है? सौरमंडल के समान बताई गई है। सौरमंडल में क्या होता है? सूर्य, और सूर्य के चारों ओर विभिन्न कक्षा होती है। कक्षा में कौन गति करते रहते हैं? ग्रह। जब इसकी तुलना परमाणु की संरचना है, परमाणु की संरचना की तुलना सौरमंडल के समान बताई गई है। और जो सौरमंडल में जो सूर्य है, तो परमाणु संरचना के अंदर अपने पास सूर्य के समान किसको बताया गया है? नाभिक को सूर्य के समान बताया गया है। तथा सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, उन ग्रहों की तुलना परमाणु के पदार्थ के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार की गति करते हैं, उनकी तुलना बताई गई है। ग्रह की तुलना बताई गई है इलेक्ट्रॉनों के साथ। ये छोटे छोटे जो काले रंग के मैं दर्शा रहा हूं विभिन्न प्रकार के कक्षा में, वो है इलेक्ट्रॉन। परमाणु संरचना की बात की जाए, तो परमाणु संरचना पृथ्वी में या ब्रह्मांड में उपस्थित सौरमंडल के बराबर बताई गई है। सौरमंडल की तरह ही परमाणु की संरचना है। सौरमंडल में जैसे सूर्य जो सेंटर है, वही परमाणु का जो सेंटर है वो सूर्य के समान बताया गया। जैसे इसमें नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, और उनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियो ऑन। जब एक परमाणु के आकार की बात की जाए, तो एक परमाणु का आकार 1 × 10 की पावर 10 मीटर से 5 × 10 की पावर -10 मीटर इसका आकार, परमाणु का आकार होता है। तक हमने पढ़ा भी परमाणु का आकार परमाणु की संरचना क्या होती है। उसके बाद में परमाणु के अंदर उपस्थित जो कण है, परमाणु के अंदर उपस्थित कण हमने तीन पढ़ लिए। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन जिसपे ऋणावेश होता है, दूसरा होता है प्रोटॉन जिसपे प्लस आवेश होता है, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन जिसपे, या इसे कह सकते हैं न्यूट्रॉन परमाणु का आवेश रहित कण है। तो परमाणु में इन तीनों कणों की उपस्थिति के आधार पर परमाणु को दो तरीकों की प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है परमाणु क्रमांक, और दूसरा प्रश्न यहां से यह पूछा जाता है परमाणु भार क्या होता है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्याओं के आधार पे अपने को यह क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। परमाणु के अंदर तीन सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे अपने को मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। परमाणु को कहते हैं एटम, क्रमांक को कहते हैं सीरियल या नंबर, परमाणु भार को कहते हैं एटम वेट या परमाणु द्रव्यमान।
जब परमाणु क्रमांक की बात करें तो यहाँ से ट्रिक मेरे मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक ये है, मेरे याद रखने का तरीका ये है भी, एटम हो गया, यहाँ पे नंबर से हम एक शब्द यूज चूज कर लेंगे एन, और एन के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे परमाणु बार और परमाणु क्रमांक में पढ़ेंगे एटम नंबर, एन से यहां लेंगे एन, नंबर से लेंगे एन, और ये एन किसके समान है, न्यूट्रॉन के। तो परमाणु क्रमांक में न्यूट्रॉन एन पहले से है तो क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक क्या होता है, यहां पे अब डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन प्लस या इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। दोबारा देखना, परमाणु संख्या क्या होती है, एटम नंबर यहां याद रखिए, एन अपने पास आ गया, परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या तो प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या कहलाएगी, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। वही बात की जाए परमाणु भार की, तो यहां याद रखना भी एक परमाणु जो किसी वस्तु का जब भार तोलो तो भार उसके केंद्र पे निर्भर करता है, और यहाँ अपने का परमाणु का जो केंद्र है वो केंद्र है नाभिक, नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आवेश है। प्रोटॉनों परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या क्या कहलाती है, परमाणु भार कहलाती है। दोबारा देखना, परमाणु क्रमांक पर किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी, परमाणु संख्या कहलाएगी। और बात की जाए परमाणु भार की या परमाणु द्रव्यमान की, तो एक परमाणु में उपस्थित प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहलाती है। इसी के आगे हम अगला टॉपिक पढ़े, अगले टॉपिक में आएगा परमाणु संरचना में, परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। एक परमाणु की संरचना है, परमाणु के नाभिक के चारों जो विभिन्न प्रकार के कक्षा हैं उन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों को कैसे बांटा जाता है या इलेक्ट्रॉनों को कैसे वितरण किया जाता है। तो यहाँ पे एक नियम है जिस नियम को कहते हैं 2N2, 2N2 का नियम। और यहाँ पे बात की जाए एन की, तो एन है यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कक्षा, एन क्या है, विभिन्न प्रकार की कक्षा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, मान लीजिए ये है नाभिक और नाभिक के अंदर ये है ऑर्बिट वन, ऑर्बिट का मतलब कक्षा, और कक्षा वन में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कहते हैं 2N2। कक्षा एक बराबर 2×1^2, 1^2 एक, तो पहले कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन वितरण होंगे 2। जब बात की जाए ऑर्बिट टू में नियम लगाएंगे 2N2 का, यहाँ पे एन का मान कक्षा, कक्षा अपने पास दूसरी है तो 2×2^2, 2×2 = 4, 4×2 = 8। तो कहा जाता है कि नाभिक से चलने के बाद पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बात की जाए तीसरी कक्षा की तो 3 कक्षा, यहाँ पे बात आ जाए 2×3^3, 3^3 आ गई, 2×3^3 = 9 = 18 इलेक्ट्रॉन। और वही बात कीजिए ऑर्बिट
की, तो ऑर्बिट चार के अंदर 2 × 4² बराबर 32 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 32 + 18 50 + 8 58 + 2 बराबर 60। अगर किसी परमाणु में परमाणु संख्या का मान, किसी परमाणु में परमाणु संख्या का मान अगर 60 है, या तो 60 है या फिर 60 से कम है, तो 2N2 का नियम, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण के दौरान 2N2 का नियम लागू होता है। अब दूसरी बात यहां ये याद रखना, अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर परमाणु संख्या का मान 60 या 60 से कम है, तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2N2 मतलब 2 × कक्षा की स्क्वायर के आधार पर व्यक्त किया जाता है। KLMN, चार कक्षा, पहली कक्षा होती है, यहाँ पे मैं आपको KLM, जब आप किताबी भाषा के अंदर पढ़ोगे तो पहली कक्षा को K, दूसरी कक्षा को R, तीसरी कक्षा को M, चौथी कक्षा को N कहा जाता है। साथ में इसमें यह भी कहा जाता है कि जैसे ये नाभिक है, नाभिक के बाद ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, एक चौथी कक्षा और हो गई, और चौथी कक्षा, चारों कक्षा, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, दूसरी में आते हैं 8, तीसरी में आते हैं 18, चौथी में आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। यह नियम 60 परमाणु संख्या तक लागू होता है। इसके बाद में बात की जाए तो प्रत्येक कक्षा की, जो कक्षा है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इससे ज्यादा है, तो आपने पढ़ा होगा आवर्त सारणी कक्षा 12 के अंदर, आवर्त, अगर आपने रसायन विज्ञान के अंदर या फिर 10वीं के विज्ञान में पढ़ा होगा, आपने आवर्त सारणी के अंदर आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पे ये नियम लागू होता है जिसमें प्रत्येक कक्षा की उपकक्षा बढ़ा दी गई है, और उस उपकक्षा का जो मान है वो है SPDF, 2, 6, 6 2, 8, 10 और 14, कुल इनका योग करें तो योग आएगा 32 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक कक्षा की उपकक्षा होती है, उपकक्षा में एस उपकक्षा, पी उपकक्षा, डी उपकक्षा, एफ उपकक्षा। जैसे समझो तो यहाँ पे अपने पास कक्षा है एन, और एन उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अपने को 32 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो 1s1, 2p, 3d और 4f, मतलब ये क्रम है। एस का मतलब एस उपकक्षा, पी का मतलब पी उपकक्षा, डी का मतलब डी उपकक्षा, और एफ का मतलब एफ उपकक्षा। उस उपकक्षा के आधार पे अगर अपने पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु की संख्या 60 है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का विभाजन या इलेक्ट्रॉन को हम वितरण कर सकते हैं। अब हमने ये एक क्वांटो के नियम के आधार पे हमने परमाणु, जो परमाणु संरचना है उसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण कर दिया। अब एक बात याद रखना कि जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे, जैसे इसमें ये है नाभिक, नाभिक से जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो मान है या इलेक्ट्रॉनों का मान बढ़ता जाएगा। तो यहां पे हम बात करें ऊर्जा स्तर की, यहां पे हम नाभिक और विभिन्न प्रकार की कक्षा 1, 2, 3, 4 KLMN, विभिन्न प्रकार की जब उपकक्षाओं का जब जिक्र आता है
तो कहा जाता है जैसे जैसे नाभिक से दूर बढ़ते जाओगे तो इलेक्ट्रॉनों का मान इसमें बढ़ता जाएगा। अगर उसके बाद में जैसे जैसे दूर बढ़ते जाओगे नाभिक से जो कक्षा उनके बीच में लगने वाला अंतराणविक बल या फिर आकर्षण बल का मान कम होता जाएगा। जब ऊर्जा स्तर की बात करें तो नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी ऊर्जा स्तर का मान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, तथा नाभिक से जो अंतिम जो कक्षा है उस कक्षा में आकर्षण बल जो नाभिक के नजदीक में जो कक्षा है उस कक्षा से बहुत कम हो जाएगा। मतलब आकर्षण बल का मान घटता जाएगा, ऊर्जा स्तर कक्षा के अंदर ऊर्जा स्तर का मान बढ़ता जाएगा तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। वो एक समय की बात है, ऐसा नहीं है भी को इलेक्ट्रॉन 200 500 600 ऐसे प्रत्येक पदार्थ में परमाणु के अंदर प्रत्येक पदार्थ का परमाणु अलग होता है और उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, तो उस आधार पे आप उसको पढ़ सकते हो। ये सिर्फ नियम है, अपने आईटी वालों के लिए पढ़ना है, ज्यादा डीपली अपने को आरएस की तैयारी के अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 212 का नियम सिर्फ याद रखना, KLMN। आजकल ये डीपली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि नाभिक से जैसे जैसे कक्षा का मान बढ़ता जाएगा तो कक्षा के अंदर आकर्षण बल का मान कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का मान एक निश्चित समय के लिए बढ़ेगा, फिर वापस इलेक्ट्रॉनों के मान घटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखे जाए जैसे एयू सोना, एयू को कहते हैं सोना, और सोने का जो परमाणु क्रमांक है वो है 79। तो कहा जाता है पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, उसके बाद हो गए 8, फिर आ गया वापिस 18, फिर आ गया 1। मतलब सोना है, सोने के जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या क्या होती है उसकी 79, और 79 के अंदर 2, 8, 18, 32, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 18, 18, तीसरी में 18, चौथी में 32, फिर अगली कक्षा में 18, यहां तक इलेक्ट्रॉन हो गए अपने एक पास 78। एक कक्षा और रहेगी, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ गया 1, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से वितरण कर सकते हो। उसके बाद में देखें, अगर यहाँ पे सोना ना मान के चले तो पहले 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, फिर 18, फिर 8, ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो जाता है इस तरीके से। अब यहां पे हम बात करते हैं अष्टक नियम की। एक नियम है परमाणु का, अष्टक नियम। अष्टक का मतलब होता है 8। जैसे हमने पढ़ा भी एक परमाणु की जो कक्षाएं, कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन वितरण किया, तो यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दूं भी एक परमाणु का अष्टक नियम भी है। वह नियम केवल परमाणु की कक्षाओं पे लागू होता है और इस अष्टक का मतलब है 8। तो आप ये समझ लिए परमाणु को जो 8 नंबर का जो नियम है, वो 8 नंबर क्या होता है कि एक परमाणु, अपनी जो लास्ट कक्षा है, अंतिम कक्षा में, आठ इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने की कोशिश
करता है। परमाणु का अष्टक नियम के हिसाब से जो अष्टक नियम है वो परमाणु की लास्ट कक्षा पे डिपेंड करता है, और उस नियम के अनुसार परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करना चाहता है, और उस 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति के लिए जैसे यहाँ पे बात की जाए अंतिम कक्षा की, तो देखो ये हो गया 16, 2, 8, 18, 32, जैसे मान के चलो क्या ये हो गए 18 और 8, 26, टोटल हो गए जैसे 86। अपन मान के चले तो कोई किसी का परमाणु क्रमांक जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई का मान 86 परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या इसकी 86 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन वितरण करेगी। एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, पहली कक्षा में आ गए 2, दूसरी में आ गए 8, तीसरी में आ गए 18, चौथी में 32, उसके बाद पांचवी में 18, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, छठी में आ गए 8, टोटल हो गए 86। अब यहाँ पे इसके आगे चलने वाला जो है जिसका परमाणु क्रमांक 87 है, तो मान के चलो प्रत्येक परमाणु की नहीं कह रहा मैं, 2, 8, 18, 32, 18, 8, अब एक इलेक्ट्रॉन और रह गया 1 ही। जैसे अब परमाणु के पास जो कक्षा होगी वो होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सातवें कक्षा के अंदर एक परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब वह अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है, तो यह परमाणु, मैंने आपको कहा था भी एक परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, यहाँ पे परमाणु की बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं चल रही। स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रहता है? कि परमाणु के पास जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट कक्षा की बात कर रहा हूं, वैसे तो टोटल 87 है, ये क्या करेगा किसी दूसरे परमाणु को त्याग देता है और अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन, अपने लास्ट कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रख लेता है। ये परमाणु का है अष्टक नियम। दोबारा देखो, परमाणु के अष्टक नियम के अनुसार परमाणु अपनी लास्ट कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने की कोशिश करता है। अगर उसके पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट कक्षा है उसके अंदर मान लिया जाए भी 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर परमाणु की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वह इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को त्याग देता है। अगर किसी परमाणु की अंतिम कक्षा के अंदर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वह किसी दूसरे परमाणु से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करता है। अगर किसी परमाणु के पास अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, तो वह परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को किसी दूसरे पदार्थ के अंदर भेज देता है या दूसरे परमाणु को प्रदान कर देता है। अगर वही बात की जाए उस परमाणु के पास में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वह दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। यही परमाणु का क्या है? अष्टक नियम कहलाता है। उसके बाद में परमाणु के अष्टक नियम के बाद जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने और दूसरे परमाणु ने ग्रहण कर लिया, एक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, दूसरे ने ग्रहण कर लिया, दोनों परमाणुओं ने मिलकर दोनों परमाणुओं ने
मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया और उस पदार्थ को क्या कहा यहाँ पे यौगिक, और यौगिक क्या कहते हैं उसकी परिभाषा मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। देखो परमाणु के पास परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में उपस्थित 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया और जिसके पास 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन थे उसने ग्रहण कर लिया, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे उसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे उसने अपनी अंतिम कक्षा पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, या जिसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या दोनों परमाणु जब मिले और दोनों परमाणु मिलने के बाद क्या कहलाया, बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। मैंने तत्वों की परिभाषा के अंदर बताया भी तत्व है पदार्थ है जो केवल एक ही परमाणु से मिलकर बनता है, अगर दो परमाणु से मिलकर बना पदार्थ वो क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। यहां तक होगी बात कर लिया। अब अपने पास में जो कुछ नियम है वो नियम पढ़ेंगे। रूल नंबर एक, एक परमाणु अपनी अंतिम कक्षा के अंदर आठ इलेक्ट्रॉन पूरी करने की कोशिश करता है। परमाणु का जो नियम है, एक परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करना चाहता है तथा उससे पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है। परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने की कोशिश करता है परंतु उसके साथ ही उससे पहले वाली कक्षा के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान 18 होगा। रूल नंबर 2 की बात करें तो प्रत्येक तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर। रूल नंबर 2 की बात करें तो प्रत्येक पदार्थ में क्या कहलाते होते हैं, परमाणु। अब इस परमाणु में जो परमाणु की संख्या है उस संख्या में हमने पढ़ा कि प्रत्येक पदार्थ में प्रोटॉन प्लस तथा इलेक्ट्रॉन माइनस दोनों की संख्या बराबर रहती है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन परमाणु में, परमाणु जो संख्या है उसमें हमने पढ़ा प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहती है। तो यहाँ पे जितना मान प्रोटॉनों का है मतलब धन आवेशित कण क्या हो गया, प्रोटॉन, और ऋण आवेशित कण दोनों का मान, ऋण आवेशित क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, दोनों की संख्या बराबर रहती है। दोनों की संख्या बराबर होने के कारण कहा जाता है परमाणु सामान्य अवस्था में, आवेश रहित होता है। रूल नंबर 2 पढ़े। रूल नंबर 2 है पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु के अंदर प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है।
प्रोटॉन एक धनावेशित कण है तथा इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। दोनों में दोनों की संख्या बराबर होने के कारण सामान्य अवस्था के अंदर एक परमाणु आवेश रहित होता है। तीसरी बात करें रूल नंबर 3 की, रूल नंबर 3 की बात करें तो परमाणु की तो लास्ट कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के कौन कौन से, जिसमें एक तो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा दूसरा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। परमाणु की जो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दो भागों में बांटा गया है, पहला भाग तो है संयोजी इलेक्ट्रॉन, दूसरा भाग है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब कहा जाता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इससे पहले आप भूलिएगा नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा है अष्टक नियम। अष्टक नियम के अनुसार परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने की कोशिश करता है। अगर परमाणु की जो कक्षा है, कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान अगर 1, 2, 3, 5, 6, 7 है, तो अगर किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान परमाणु की कक्षा में, कौन सी कक्षा की बात करें हम, लास्ट कक्षा की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो वह इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब हमें इसका कारण जानना है। पहले हम बात करें संयोजी इलेक्ट्रॉन की, तो परमाणु की कक्षा में उपस्थित 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब इनका कारण क्या है, देखो कारण देखें तो परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अगर जिसकी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो, जिस परमाणु की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो वह बंध स्थापित करना चाहेगा किससे, जिसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब वह दूसरे परमाणु के साथ संयोजन बनाने की कोशिश करेगा। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो वह 6 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के साथ संयोजन बनाएगा, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो वह 5 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के साथ बंध बनाएगा, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो वह 3 वाले के साथ बंध बनाएगा, 6 हो वह 2 वाले के साथ बंध बनाएगा और 7 है वह 1 वाले के साथ बंध बनाएगा। मतलब प्रत्येक परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, क्योंकि वह एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ बंध बनाने की कोशिश करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और परमाणु के मुक्त इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन जो किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ना चाहे जुड़ जाते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। परमाणु कक्षा में उपस्थित 1, 2, 3, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और परमाणु कक्षा के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन तब तक है जब तक वह परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ संयोजन बंध स्थापित न करे। अगर वह इलेक्ट्रॉन बंध स्थापित कर लेता है तो वह मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कहला जाए, संयोजी इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अब दूसरी बात देखें कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। पहली गति है कक्षीय गति और दूसरी गति है चक्रण गति। जैसे परमाणु के अंदर जो उपस्थित कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, वो दो प्रकार की गति करते हैं। पहली तो होती है कक्षा गति, दूसरी होती है चक्रण गति। चक्रण का मतलब यह एक चक्कर की तरह घूमती रहती है। जैसे अपने पास पृथ्वी है जो सौरमंडल में, जैसे जैसे पृथ्वी दो प्रकार की गति करते हैं, चक्रण मतलब अपनी दूरी पे घूमते रहना, अपनी दूरी पे घूमते रहते 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 गति करना, वह तो कहलाती है चक्रण गति। और फिर उसकी एक फिक्स गति है, मतलब कक्षा है। पहली तो पूरी कक्षा में घूमेगी, वो तो होगी कक्षीय गति, और दूसरी अपने एक स्थान पे घूमती 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 गति करते हैं। एक परमाणु की कक्षा के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति एक साथ करते हैं, चक्रण और कक्षीय गति। अपनी जगह पर घूमते 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 पूरे परमाणु की जो कक्षा, पूरी कक्षा का चक्कर लगाना, वो हो गई कक्षीय गति। और अपने स्थान पे जो घूम रही है वो चक्रण गति। एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। अब यहां देखें, संयोजी इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ लिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन पढ़ हमने पढ़ लिए। इससे आगे हम पढ़ेंगे आवेश। उससे आगे हम पढ़े आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश दो प्रकार के हैं। एक तो है धनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक। किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पे आवेश को दो प्रकार भागों में बांटा गया है। मतलब किसी पदार्थ के ऊपर चार्ज, कौन सा चार्ज है वह डिपेंड करेगा प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पे। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया आवेश रहित अवस्था में या सामान्य अवस्था के अंदर एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन माइनस की संख्या प्रोटॉन प्लस की संख्या के बराबर होती है। जब किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम हो, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम हो, या फिर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा हो, तो जैसे मान के चले कि दो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है प्रोटॉनों की संख्या से, तो पदार्थ के ऊपर उपस्थित आवेश धनात्मक आवेश हो जाएगा। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से प्रोटॉनों की संख्या का मान ज्यादा है तो उस पदार्थ पर धनात्मक आवेश आएगा। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्यादा है प्रोटॉनों की संख्या से तो उस पदार्थ के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा ऋणात्मक आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं। सामान्य अवस्था के अंदर एक परमाणु आवेश रहित होता है। क्या होता है? आवेश रहित। तथा जब बात की जाए पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई या किसी पदार्थ ने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया तो त्यागने के कारण उस पदार्थ पर चार्ज आएगा धनात्मक आवेश। तथा अगर उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए या इलेक्ट्रॉनों का मान ज्यादा हो गया तो उस पदार्थ पे आवेश आएगा ऋणात्मक आवेश। तो हमने अभी पढ़ा है एक परमाणु का जो पूरा टॉपिक है वो हमने पढ़ लिया।
अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे हम विद्युत धारा, क्योंकि हमने यहाँ तक इलेक्ट्रॉनों के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। इलेक्ट्रॉन परमाणु होता क्या है, किस पे बना होता है, इस पे आवेश कैसे माना जाता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं कैसे नहीं करते, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, विद्युत धारा। तो दोस्तों मेरी यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिस बंदे ने भाई ने आईटी कर रखी है वह मेरे साथ जुड़े। मैं आपसे इस कक्षा के बाद आपसे विदाई चाहूंगा। धन्यवाद।